इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आज फिर एक कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अंजू उस्ताद जी कहाँ जा रहे हैं फिर आज? कहाँ की तैयारी? और फकार पहले हम लोग जाएंगे हमारे भैया जी के पास जाफर साहब को, उसको उठाना लाजिम है, उससे बगैर के जा नहीं सकते मसला है। और जाफर को पिक करेंगे, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद हम लोग निकल जाएंगे खुरफकान के लिए। और खुरफकान मैं भी वैसे कुछ 6-7 साल से नहीं गया हूँ, हालांकि दुबई में तकरीबन 10 साल हो गए मुझे, लेकिन मैं खुरफकान नहीं गया हूँ अभी तक, पिछले कोई 7-8 साल ही हो गए, मैं ठीक से याद भी नहीं मुझे तो भी, तो देखते हैं जाके द ब्यूटी ऑफ खुरफकान। I lay in the dark and look past the ceiling up at the stars. I wonder how far and which one is yours. So when I talk, you'll hear me say I fall in love with you every single day, and that will never change long as I'm still breathing. The log inko nahi jante तो इनसे मिलिए, ये हमारे भैया जी। इतने पुराने नहीं हुए हम तो। भैया जी इज आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रिप टुडे। ये अलहमदुल्ला हमारी शाही सवारी। तो अभी हम लोग जाएंगे नाश्ता करने के लिए, नाश्ता बस क्विक ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हमारे पास कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के जाके नाश्ता करें हम लोग, और एक बार निकल पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। मीट दिस मैन मेहरोज, मैन ऑफ द डे इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लान। व्हाट्स अप मैन? All cool, all good. ये आपको J वाली नंबर प्लेट मिली है? जी भाई जी, आपके वाली प्लेट मिली है मैं। हम लोग रुके हैं ईट एंड ड्रिंक पे, ऑपोजिट दुबई मॉल मेट्रो से, और नाश्ता करने के लिए रुके हैं। अभी ऑमलेट सैंडविचेस हमने ऑर्डर किए हैं, तो जैसे ही हम लोग को हमारे सैंडविचेस हाथ में मिलेंगे हम लोगों ने फौरन निकलना है। ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, गौर से देखिए इस आदमी को, इसकी वजह से खड़ा कर रखा है, अंदर ही बिठाइए, बैठिए भैया। एसी चल रहा है, आप लोग खुद बाहर खड़े हुए हैं। स्पेशल बनाइए, ये है गार्लिक पीनट्स। भैया जी आपको पता है कि आज हमारे उस्ताद जी ने बारबेक्यू मसाला बनाया हुआ है। बारबेक्यू प्लान किया हम लोगों ने, कोयले लाए हैं, चीज है, कोयले हैं, अंगीठी है, हर चीज है। उस्ताद जी ने चटनी बनाया, आ जाएंगे 2-3 बजे, 3 बजे आएंगे, सुबह 4 बजे उठ के आप वापस अपनी ड्यूटी चले जाइए। आपने कौन सा काम करी जमीन, सो गई जमीन, सफर की दुआ पढ़ लीजिए सारे। रास्ते में हमने पहले गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, और फ्यूल के बाद इंशाल्लाह नॉन स्टॉप सुपर फुल। नहीं भाई, बिलीव ही नहीं हमें, हम लोग का नसीब ही खराब, हमें अपनी किस्मत पे यकीन नहीं है। यकीन करो, आपका रेफर जेन्युइन है, ठीक है, हमें अपनी किस्मत पे यकीन नहीं, पता निकलेगा ही नहीं। नहीं टेंटा ले लो, नहीं तो टेंटा का रेट भी रहेगा और 10,000 पूरे 19 है पूरे। अगर मेरा नाम आ गया तो मुझे तीन टिकट को 3 अमाउंट है, 10,000, 50,000, 1,00,000। आए तो थे हम यहाँ पे, वैसे पेट्रोल डलवाने, 10 रुपये का थूक लगने जा रहा है वैसे, ये हर बार लगता है नौकरी। तो जी हमें 10 दिरहम में 3 कूपन मिले हैं, 10,000 दिरहम और 1,00,000 दिरहम के इनाम के। तो ये हम अपनी बेगम साहिबा से फिल करवाते हैं, क्या पता बेगम हमारी खुश नसीब हो। तो 20-10 दिरहम के वाउचर में मिले 3 कूपन, 3 नाम डलेंगे। तो मैं एक नाम डाल रहा हूँ अपनी बेगम साहिबा का, एक डाल रहा हूँ एक शाम का, एक डाल रहा हूँ मेरोज़ का, क्या पता तुम तीनों के नसीब से किसी एक के नसीब में नहीं चल पड़े। हैं दो ही नाम है, एक 10,000 दिरहम का, एक 1,00,000 दिरहम का। अपना नाम निकलेगा ना, पहले बता रहा हूँ, मुझे देना हाथ में लगे, मैं तो सिम दूंगा ईमानदारी के साथ।
गाड़ी के टायर की हवा चेक कर रहे हैं फॉर सेफ रीज़न। वहाँ पिछले फ्यूल स्टेशन पे चेक करना भूल गए थे। इसको ना 33 कर ले। शाम कितना आ रहा है? क्यों When it comes to face to face, do you shy away? Would you regret holding your breath if you die today? And what's the purpose of this life if you ain't sharing it? If only I could see what's hidden in the pages of that notebook you write in. It must be romances, poems and pieces you put into stanzas. Picking petals for a sign of hope. One left, I'm scared to know. It goes me. अभी तो शाम कहाँ से लेके आ गया, हमें तो मिलता ही नहीं। ये इधर का मैंगो है। इधर का? इधर भी मैंगो लगता है? इधर है ना फजीरा में बहुत है। अच्छा, क्या प्राइस है इसका? एक किलो 10 दरम। 10 दरम? भाई एक काम कर दे, 1 किलो आना मुझे प्लेट में काट दो। अच्छा जी, अभी हम फोर फकान के रास्ते में है, बस ये एंट्रेंस है फोर फकान की। सामने वो जो टनल है ना, उस टनल के बाद फोर फकान शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, ये कितने का है? ये 10 का। ये कितना है इसके अंदर? फोन कीजिए। किलो का हिसाब नहीं है, ये कट्टा वाला अलग है सब। ये 10 का है? चलो मैं ये ले लेता हूँ आपसे। वो कट्टा वाला है अलग में, वो बारबेक्यू करके देगा आपसे। जगह तो बहुत प्यारी है और यहाँ पे जैसे हम लोग इन्हें शहर से बाहर निकले हैं ना शारजा से, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, मतलब काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ पे छाँव में कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। टेम्परेचर इज मच बेटर। गाड़ी बंद कर दे, थोड़ी देर रेस्ट मिल जाए गाड़ी को। ऑफ कर दे, ऐसे हम गाड़ी बंद कर दे। क्या चीज़ है? नारियल वाटर। ये कितने का? 10 दरम। भाई मैं रेट सही कर ले पहले बता रहा हूँ मैं, 8 दरम। हर चीज़ 10 दरम की होगी। अभी वापस जब आएंगे ना, हम दुबई में शेख के लड़के नहीं है भाई। फोर फकान के मैंगोज कैसे लग रहे हैं आपको? फोर फकान के पहाड़ों में आम का मजा लेते हुए ये भाई ज़बरदस्ती इसको नारियल पानी देने के लिए रेडी हो गए। भाई तीन तीन नारियल बात कर रहे हो तो बात कर भाई। तो वो ठंडा है ना? ये ठंडा नहीं है, ठंडा है। इधर देखो ये दिएगा। अरे आ भी जा, चिपके हुए हैं, कोई हाथ में नहीं आ रहा। बन रहा है। वाटर मिलन, वाटर मिलन। ये प्लेट 2 नारियल 20 दरम में। लेकिन उसको उसको काट के ना स्ट्रॉ लगा के दो। When it comes to face, do you shy away? Would you regret holding your breath if you die today? And what's the purpose of this life if you ain't sharing it? If only I could see what's hidden in the pages of that notebook you write in. It must be romances, poems and pieces you put into stanzas. Picking petals for a sign of hope. One left, I'm scared to know. It goes me. Finally, हम लोग अभी आ गए हैं फोर फकान बीच पे। दिन के टाइम बीच पे आने का एक अलग ही मजा होता है। मौसम बस नॉर्मल है, मतलब धूप में अगर हम ज़्यादातर खड़े रहेंगे तो गर्मी भी लगेगी, लेकिन हवा अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है। इतनी प्यारी जगह पे बंदा आए और ठीक से इंजॉय ना करे तो फिर क्या फ़ायदा आने का? ऐसे ही है ना, तो अच्छे से इंजॉय करते हैं, ट्राई करते हैं। Thank you.
ट्रैवलर्स। थैंक्स टू यू, वी आर एंजॉयिंग वेरी मच। ओ भाई जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। हम आपके मेहरबान कदरदान नहीं, मेरी वसूल लेंगे, हम वसूल लेंगे। तो जी हमारी बोट राइड ख़त्म हो गई। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक मेमोरेबल एक्सपीरियंस कभी नहीं बोलना, एक्सपीरियंस का मज़ा एक्सपीरियंस था। और ये भी उतरने लगे हम लोग, खारा पानी ऐसे ही होता है, हाथ मारा है पानी में, मेरा हाथ नहीं आ रहा, लगा मेरे हाथ वो सुंदर लगे, चलो ले जाओ। अभी मैंने इधर गाड़ी पार्क की अपनी, अशोक रेस्ट एरिया पॉइंट का नाम है ये, हाईएस्ट पॉइंट है इस जगह पे। हमारा ऑर्डर हो गया इस पर, और थोड़ा यहाँ पे भी हल्की फुल्की पेट पूजा करेंगे, फिर हम लोगों ने रात को बारबेक्यू करना है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। हमने हल्का फुल्का ऑर्डर किया है वेरी लाइट सा, तो यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे इस जगह पे, थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह बनाएंगे। फ़ोटोज़ वगैरह बनाने के बाद जैसे ही धूप थोड़ी कम होगी हम लोग फिर कोई जगह ढूंढेंगे बारबेक्यू के लिए बेहतरीन सा पॉइंट। देखना तो सब देख लिए। बारबेक्यू के लिए, और हमने पूछ भी लिया लाइफ गार्ड से कि बारबेक्यू अलाउड है कि नहीं, उसने कहा कि अलाउड है। आप में बहुत कमाल, बहुत मज़ेदार है। और जाफर हमारे भाई जी और उस्ताद जी श्याम साहब जो हैं वो कोयले जलाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद जी तो है लग जाएगी कोयला, जाफर वैसे भी आग लगाने में बहुत कारीगर है। हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है, हमने चावल भी ले लिए हैं क्योंकि चावल हम लोग दुबई से नहीं बना के लाए थे। हमारा प्लान था हम लोग चावल बना के लेके जाएँ घर से, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि जो हमारा प्लान हुआ था ना बारबेक्यू वगैरह का, ये कल रात 11 बजे बना था,